दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। लाखों रूपों के ठगी के शिकार हुए लोग। खबर बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की है, जहां लाखों रुपए की ठगी के शिकार हुए लोग जिला अधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल को पत्रक सौंप कर अवगत कराया है कि तकरीबन सैकड़ों लोगों ने एक निजी कंपनी में निवेश करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर कंपनी मालिक चंपत हो गए, जिससे सभी लोग खासा परेशान हैं। अब अहम सवाल यह उठता है कि कौन कितना और किस माध्यम से अपने पैसों को निजी कंपनी में जमा किए हैं, यह समझ से परे है। आइए सुनाते हैं पीड़ित लोगों की जुबानी। क्या एक परिचय बताइए अपना। जय प्रकाश गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? राजपूत नगरी भरुआ आश्रम। क्या मामला है? डीएम कार्यालय पे आए हैं, काफी आप सदमे में लग रहे हैं, क्या मामला है? पैसे का मामला है, बैंक में पैसा हम लोग रखे थे रॉयल सिग्नल निजी लिमिटेड में। बैंक का नाम ठीक से बताइए। वही नाम है, रॉयल सिग्नल निजी लिमिटेड है। तो पैसा रखा गया था, हम सभी लोग रखते हैं। मालिक जो है पैसा लेकर भाग गया है। एक मालिक यहाँ पर है। क्या नाम उनका जो यहाँ पर है? जो यहाँ पे हैं उनका मनोज गुप्ता नाम है। कहाँ के निवासी हैं? राजपूत नगरी वो भी निवासी हैं। जो भाग गए उनका क्या नाम? जो भाग गए हैं उनका संजय चौरसिया नाम है। इन दोनों लोग का बैंक में क्या पद था? वो मेन मालिक है, ये सेकंड मालिक है। कब से आप लोग पैसा जमा कर रहे थे, इस बैंक के बारे में कैसे पता चला? वो हमारे पड़ोसी हैं, यही मनोज गुप्ता, तो इन्हीं के माध्यम से हमको पता चला, इन्हीं की वजह से हम लोग रख रहे थे। क्या आपको वादा किए थे बैंक में कैसे टर्नओवर करें, कैसे जमा करें, क्या आपको फायदा बताया? दुगना होगा, तिगना होगा। हम जब काम, हम लोगों का काम करते हैं, जब पैसा थोड़ा बहुत आता था मेरे हाथ में तो कह कर ले लेते थे पैसा की दे दीजिए पैसा, क्या करेंगे, कुछ रहेगा मेरे पास तो बढ़ेगा ही ना। और जब पैसा देने का वक्त आया तो लेकर पैसा फरार हो गया। पैसा लेके कौन फरार हो गया? संजय चौरसिया। ये बैंक कहाँ था, कहाँ कहाँ ये बैंक का शाखा था, कहाँ? अच्छा, ये जो आदमी है, दूसरा आदमी जिसके साथ आप लोग आए हैं, ये कौन है? ये मनोज गुप्ता है। ये क्या करते हैं? ये मीट का व्यवसाय करते हैं, मीट बेचते हैं, होटल चलाते हैं। अच्छा अच्छा। आपके साथ साथ कितने लोग उस बैंक में खाते धारक थे? बहुत सारे लोग। लगभग कितने पैसे उसमें आप लोग जमा किए थे आज तक? अब लोगों में मान लीजिए सबका तो गणना नहीं रखा। आपका कितना पैसा है उसमें? हमारा 20 लाख करीब में है। 20 लाख के करीब में। कैसे कैसे जमा करते थे? थोड़ा थोड़ा करके रखे हैं 10 वर्ष में। कौन आता था पैसा लेने, कैसे पैसा देते थे आप? हमसे पैसा वो मांग लिया करते थे, घर पे आके ले जाते थे पैसा। कौन? संजय चौरसिया, मनोज भी आए हैं वहाँ पे। कोई रसीद वसीद पैसे का? हाँ, सब दिए हैं। बैंक से, बैंक का वो खाता, पासबुक है, पेपर है उसका, सब था। आप लोगों ने कभी इसके बारे में जांचा परखा कि ये कैसा बैंक है? अब जांचने परखने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि ये हमारे पड़ोसी हैं तो हमको जांचने पर लग रहा था कि भगेंगे कहाँ ये। अच्छा, आप लोग विश्वास पे लाखों रुपए जमा? यही पहले बताइए कि इसकी शिकायत आपने जिलाधिकारी या कहीं और संबंधित अधिकारी उसे किया कि? जी नहीं। ये बताइए कब आप लोग को पता चला कि आप बैंक आपके साथ फरारगिरी की है? जब संजय चौरसिया भाग गया था। कितने दिन पहले? लगभग हो गया 6 महीना। कैसे पता चला? आप लोग बैंक पे, आप लोग बैंक पे गए, वहाँ पे क्या स्थिति रहा? बैंक पर जाते थे संतावना मिलता था कि पैसा मिलेगा मिलेगा, जब पैसा उनके हाथ में आया तो अब जो बोलिए छोड़ दिए। अभी बैंक है कहाँ, क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी बैंक बंद पड़ा हुआ है। निजी खुद का उन्हीं के बैंक में था कि उन्हीं जमीन में था कि किसी दूसरे किराए? नहीं, किराए पर था वो। ठीक, अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? आप क्या चाहते हैं? किस बैंक के आप उसमें मैनेजर थे कि मालिक थे, किस बैंक के? कासिम बाजार में हमारा व्यवसाय थी और संजय पहले से बैंक चला रहे थे। उसके बाद हमसे कहे कि इसमें आप लग जाइएगा, आपका गुडविल शहर में बढ़िया है तो अच्छा कमाई होगा, तो हम उसमें लगे, मेहनत करने लगे उनके साथ। क्या पद दिया गया आपको उसमें? पहले पद कुछ नहीं दिया गया, बाद में बोले कि हम आपको पार्टनर बनाएंगे। उसके बाद 2010 से हम उसमें
मेहनत किए दुकान छोड़ के, उसके बाद 2000 बोले कि 10 में हम आपको पार्टनर बना दिए हैं, हम मान गए। उसके बाद किस बैंक में, बैंक का नाम बताइए। 2010 में रॉयल सिंबल रियल एस्टेट एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2010 में आप पार्टनर बने। हाँ, मतलब कि वो कहे कि हम बना दिए हैं। आज क्या साल है, क्या नाम, आज कौन सा साल? 2022 है। 10 साल आप काम किए ना उसमें? हाँ, 10 साल काम। 10 साल में आप तो नहीं समझ में आया कि कितने पैसे आपने, बैंक का क्या था, जनता के प्रति क्या क्या लुभावने वादे करता था बैंक कि आप डेली रेकरिंग में जमा कीजिए और 4% सालाना हम ब्याज देंगे। अच्छा, और देते थे ब्याज। उसके लिए आप लोगों, आपने कितने लोगों को जोड़ा शहर के? अब ये कन्फर्म मैनेजर बता पाएगा, जैसे हम नहीं बता पाएंगे। हमारा फील्ड, हमारा काम था, जैसे कि उसमें 3 लोग पार्टनर थे हम लोग और एक मैनेजर छोड़ के था। हमारा काम था फील्ड कि मैंने खाता खुलाना, गुड भी बढ़िया था मार्केट में। कितना पैसा मिलता था आपको इस चीज़ का? अभी पैसा नहीं मिलता था। 10 साल में 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला है। ऐसे ही पागलों की तरह काम कर रहे थे आप? हाँ, पर हम बता रहे हैं जैसे कि कहीं जमीन खरीदा था उसमें हमारा नाम होता था, हमें पैसा की जरूरत नहीं पड़ता था। नाम की कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है? हमारे नाम से जमीन रजिस्ट्री एक बसंतपुर हुई है और एक डीएम में हुई है और ये जो नवायन पैसा बिक गया इसमें भी हमारा नाम था। कौन करा रहा था? जमीन को बेचे क्यों नहीं लोगों का पैसा देते? नहीं तो पैसा हमारे अकाउंट में नाम नहीं था, वो अकाउंट में नाम हमारा नहीं डाले थे। दाखिल खारिज में आपका नाम है ना? एक जमीन के पेपर पर आपका नाम है? पेपर, हाँ, जमीन के पेपर नाम है। कौन कर रहा है नाम आपके, आपके नाम जमीन? उस रॉयल सिंबल रियल इस्टेट के नाम से खाता खुला था केनरा बैंक में, उसमें मेरा नाम नहीं था। हम जब संजय भैया से बोले कि नाम डलवाइए तो कहते कि भाई ये पर्सनल अकाउंट है, ये कोनो, ये कोनो में कोनो दिक्कत नहीं है। 2022 में भागने के बाद मालूम चला कि उसमें हमारा नाम नहीं, वो दोनों भाई का नाम था। उस कंपनी के खाते में पैसा आया इसलिए हमको पैसा नहीं मिला। लेके भगते मानते हैं ना कि जितने लोग लाखों रुपये का जो, हाँ, अभी अभी बैंक की स्थिति क्या है, क्या हुआ बैंक? एक साल से बैंक बंद है, फिर भी वो पैसा उछलवाए। एक जिला बस्ती के राधे सोनी है, उनको बाबा माना कहे कि हमके पैसा मत उछलिए, ये पैसा के पहले हिसाब हो जाने दीजिए उसके बाद उछलिएगा, लेकिन वो बात नहीं माने। जो वो लोग भाग गए? हाँ। आप यहाँ हैं? हाँ। जमीन यहाँ है? जमीन नहीं, जो मेन जमीन 5,27,00,000 की बिकी गई है। जमीन नहीं? हाँ, कुछ भी जमीन है? हाँ, कुछ भी जमीन है। कितने की होगी संपत्ति? वही 40,00,000-45,00,000 की होगी। आपका अधिकार है? नहीं, तीनों उनके जमीन के पेपर उनके पास है और तीनों आदमी के नाम उसमें नाम है। नाम से कितनी जमीन है? वो एक ही में है, एग्जेक्ट है, उनका कागज पत्र सब उन्हीं के पास है। क्या मानते हैं कि इसकी जिम्मेवारी आप पे भी बनती है कि आप लोगों ने इन लोगों को जोड़ा, बैंक भग गया, आप भी इसकी जिम्मेदार मानते हैं? जब जिम्मेवारी है तभी हम 6 महीना से लग रहे हैं, 2-2 बार SP के हैं, गए हैं कोतवाली, गए हैं हम एकदम दुकान गंछो के इसमें लग रहे हैं कि सबको पैसा दिलवाएं, हम डटे हैं कि सबको पैसा दिलवाएं, निदान मिले। आपके विश्वास पर लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया जैसा कि यहाँ पे लोग बताए। हाँ हाँ, तो मानते हैं ना कि आपकी भी इसमें लापरवाही है? नहीं, लापरवाही क्यों है, हम लगे हैं 6 महीने, लापरवाही क्यों है? 4 महीना पहले का हम FIR किए हैं। क्या प्रयास किया इसके लिए लोगों को पैसा मिल जाए? हाँ, पैसा मिल जाए। क्या प्रयास किया आपने? पैसा इन लोगों को मिल जाए, आए पैसा सबके दे। क्या प्रयास किया है अभी? क्या FIR किए हैं? FIR किए हैं? हाँ, काम खत्म हो गया FIR का? नहीं, FIR किए हैं, पर भी कर रहे हैं, फिर आज यहाँ आए हैं पता देने। FIR किए हो गया कभी? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ कोई? आपने अभी दोबारा कब मिले पुलिस से? कई बार बीच में मिले तो मिले नहीं। आपने एप्लीकेशन कितनी बार दी? एप्लीकेशन नहीं दी, वही एप्लीकेशन में मिले हम। वही मिले? हाँ, वही एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे बाहर हैं फिर? आप भी उसके पार्टनर हैं ना? हम भाई, इसलिए हम ईमानदार हैं, हम भगे नहीं हैं। हम तो जब प्रशासन बुला रही तब हम जा रहे हैं, हम तुमको प्रशासन बुला रही जा रहे हैं, ये बात तो नहीं। आपके नाम FIR है? आपके नाम में भी, आपके नाम भी FIR है? तो हम तो FIR खुद किए हैं, तुमको आए वो पैसा जनता को दे। आप FIR किए हैं? हाँ, FIR मैं किया हूँ। जमीन के पेपर कहाँ है? जमीन के पेपर उनके पास है, उनका लकड़ हम FIR में लगा। सारा चीज उन्हीं के पास है, पैसा भी उन्हीं के पास। तो आपके पास क्या है, इन लोगों को कैसे मदद मिलेगी? कुछ नहीं जानते थे ना? कुछ नहीं जानते थे। करोड़ों का टर्न हो रहा है, कुछ पता कुछ नहीं ना, कुछ हमको मोहरा बनाया गया। हमको 10 साल में कोई तनख्वाह भी नहीं? हम ऑलरेडी खुद कमाते थे, तनख्वाह नहीं देते। 10 साल में आपको 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया? ना, 1 रुपया नहीं दिए। आप लोगों जोड़ते रहे? हम जोड़ते रहे, बगैर पैसा लिए। हाँ, बगैर फायदे। हाँ, मतलब 10 साल तक कितने सीधे थे आप? हाँ, प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो आप भी दोषी हो उसमें। वो हमारे मैं विश्वास किया हूँ, इतना ज्यादा आपके विश्वास से इनका विश्वास, तो जिन्होंने आप पे विश्वास किया उनका क्या होगा? तो इसीलिए मैं लग रहा हूँ कि आए हाजिर हो। अब किस तरह अरेस्ट करवाइए उनको, या अपनी अटेस्टिंग दीजिए, जाके कहिए कि सर आपके दोषी हैं। आपके गुडविल पर करोड़ों रुपए लोगों का लूट ले गए। बता चुके हैं कोतवाल साहब, इसमें आप तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। ये जो थे दिनेश पाठक जी, उनको भी बता चुके हैं, वो विवेचना भी किए हैं।
फिर इसमें हम लगे हैं।